हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फोमेटा एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ गुड स्टोरी टेलर। देखिए यार, स्टोरी टेलिंग जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, अगर अभी आपको स्टोरी टेलिंग आ गई तो आप बहुत सारी चीज़ें जो आप करियर में अपने करने वाले हैं आगे, उसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। कल को मान लो अगर आप कोई स्टार्टअप ही करने वाले हो या जॉब भी करने वाले हो, तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है इस चीज़ का, क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त स्किल है जो कि आपको सामने वाली ऑडियंस और आपकी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट में मदद करती है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स में मदद करती है। तो इसके बारे में ही हम डिस्कस करने वाले, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ जानने को समझने को मिलने वाला। सो लेट्स गो। सो देखो यार, स्टोरी टेलर, जैसे कि मैंने बेसिक चीज़ें आपको समझाई दी हैं कि लर्न करो, इम्प्रूव करो और प्रैक्टिस करो, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो इसमें मैंने कुछ टिप्स बनाए हैं जो मेन पॉइंट हैं, जिस पर आप फोकस करके काफ़ी अच्छे स्टोरी टेलर बन सकते हो। सो सबसे पहला पॉइंट आता है गाइज, नो योर ऑडियंस। देखिए, अगर आप किसी के सामने अपना कहानी बताने वाले हो, कुछ प्रेजेंट करने वाले हो, कुछ दिखाने वाले हो, तो आपको आपकी ऑडियंस के बारे में जानना जरूरी होता है कि आपकी ऑडियंस कैसे सोचती है, क्या उनकी प्रेफरेंसेस है, क्या उनकी पसंद है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपको पता चलता है कि आपको अपनी स्टोरी बतानी कैसे है, सुनानी कैसे है और किस लेवल तक उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उस हिसाब से उनको बताना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया, नो योर ऑडियंस। देन सेकंड पॉइंट आ जाता है गाइस, थिंक अबाउट द गोल ऑफ योर स्टोरी। आपको इम्पोर्टेंट है ऑडियंस को जानने के बाद कि आपको ये पता रहे कि आप जो अपनी स्टोरी सुना रहे हो, उस स्टोरी से आप करना क्या चाहते हो। मतलब सामने वाले को इंटरटेन करने के लिए सुना रहे हो, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो सिंपल, या फिर कोई इंस्पिरेशन देना चाहते हो, कुछ सिखाना चाहते हो, पर्सुएट करना चाहते हो, करना क्या चाहते हो। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको पता रहे कि आपकी जो स्टोरी है उससे आपका फाइनल गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल ले लो कि अगर आप एक मार्केटिंग मैनेजर हो या मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट हो, है ना, या फिर मार्केटिंग की कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहते हो, तो आपका कोई प्रोडक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे। तो आपको अपना गोल डिसाइड करना होगा कि भाई जो ये मेरा प्रोडक्ट है वो किस लेवल पे, उससे क्या बेनिफिट होंगे, उसका गोल क्या है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। तो फिर अगला पॉइंट आ जाता है गाइस, चूज़ द राइट टाइम एंड प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पता चला कि भाई आप अपनी कुछ कहानी या कोई स्टोरी बना रहे हो, कोई स्टोरी सुनाना चाहते हो और ख़राब माहौल है, सैड माहौल है, और आपने वहाँ पर हंसी मजाक वाले कोई कहानी सुना दी, तो सोचो कैसा माहौल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओकेजन्स देखो, कौन से ओकेजन्स हैं, लोगों के मूड देखो, एटमॉस्फेयर देखो कैसा है, और उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट कोई स्टोरी बनाओ जो कि वहाँ सूट करे। ठीक है, तो सूटेबल फॉर द एनवायरनमेंट हो और बहुत ही अच्छा तरीके से उसको प्रेजेंट करो, काफ़ी अच्छे तरीके से आप फिर स्टोरी टेलिंग कर पाओगे। फिर अगला पॉइंट आता है, गेट योर ऑडियंस अटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी कहानी बनाई, आपने ऑडियंस को एनालाइज़ किया, पर ऑडियंस का अटेंशन नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि उसमें कुछ कैची पॉइंट होने चाहिए, कुछ क्योर्स होने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए, जिससे आपकी जो ऑडियंस है उसका मन आपके स्टोरी में, आपकी कहानी में लगा रहे, समझे। जैसे कि ये क्वेश्चंस हो गए, कुछ क्योर्स बोल सकते हो, कोई अगर फैक्ट्स से बेस रिलेटेड चीज़ें हैं तो फैक्ट्स बता सकते हो, सरप्राइजिंग फैक्ट्स हो गए, कुछ जोक क्रैक कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि ऑडियंस का मन आप में लगाए रखती हैं, आपकी स्टोरी में लगाए रखती हैं। फिर आते हैं जो कि है नेक्स्ट पॉइंट, बी क्लियर एंड कंसाइज। सिंपल सीधी सी बात होनी चाहिए, ज़्यादा इधर उधर का बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसी वीडियो का ले लेते हैं, इस वीडियो में क्या फोकस है कि आपको कुछ मेजर पॉइंट बताए जाएं जिससे आप स्टोरी टेलिंग अपनी अच्छी कर सको। सिंपल सिंपल रखा हुआ मैंने, एकदम क्लियर रखा हुआ है ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट पता चल जाए कि ये चीज़ें, इन पर फोकस करके आप कर सकते हो। तो वैसे ही आपको सिंपल रखना है, आलतू फालतू की चीज़ें डालने की जरूरत नहीं है। सिंपल रखिए, अपनी ऑडियंस को देखिए, उस हिसाब से प्लान कीजिए। फिर अगला पॉइंट आता है गाइड, गेट पर्सनल। आपको ना अपना पर्सनल टच देना ज़रूरी है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उस स्टोरी को खुद फील नहीं करोगे तब तक आपकी ऑडियंस भी उसको फील नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनल टच दीजिए, अपने इमोशंस डालिए, ओपिनियंस दीजिए, ठीक है, एक्सपीरियंस कीजिए उस चीज़ को भी, और एक अच्छे तरीके से सामने प्रेजेंट कीजिए, अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए उस टाइम अपने ऑडियंस को सुनाते वक्त, और ऑनेस्टी के साथ चीज़ें बताइए, सिंसेरिटी के साथ बताइए, ताकि आपकी ऑडियंस पूरी तरह से उससे कनेक्ट कर पाए। तो ये बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो कि आप स्टोरी टेलिंग के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये आपकी ओवर पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव करेगा, आपके ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स को, आपके चरित्र को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, फिर आता है बी अवेयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज।
बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन के लिए और आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी। और ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये एक MBA वगैरह में भी सिखाई जाती हैं। बहुत सारे बच्चे इसको ग्रेजुएशन में भी सीख लेते हैं अगर अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, और बहुत सारे बच्चे इसको स्कूल टाइम में भी सीख लेते हैं। डिपेंड्स, वही मैंने बोला, डिपेंड्स आपको कैसा माहौल मिला है, आपने किन किन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है। तो बी अवेयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब किसी से बात कर रहे हो, आपके चेहरे पर एक्सप्रेशन कैसे हैं, आपके हाथों का हाव भाव कैसा है, आपके हाथ के मूवमेंट कैसे हैं, आप बैठे कैसे हो, अगर खड़े हो तो खड़े होकर चल कैसे रहे हो, कैसे खड़े हो, ये सारी चीज़ें ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कैसा पहनावा पहना हुआ है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोल रहे हो तो आपकी वॉइस का जो मॉड्यूलेशन है, ऊपर हाई नीचे लोअर मिड, कैसे आप बात कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं जो कि आपकी ओवरऑल स्टोरी टेलिंग को इन्हेंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर ज़रूर फोकस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। फिर गाइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ जब आप अपनी स्टोरी प्रेजेंट कर दीजिए, कर दो ऑडियंस के आगे, उसके बाद उनसे फीडबैक लीजिए। और फीडबैक से याद आया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है। सो फीडबैक ज़रूर लीजिए, उससे आपको पता चलता है अच्छा बुरा जो भी है। अगर आपका क्रिटिसिज्म होता है तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें मेरी गलत हैं, इन चीज़ों पर मेरे को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और सजेशन भी मांगिए, और मुझे भी ज़रूर सजेशन दीजिएगा कि मैं अपनी वीडियोज़ में क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका ओवरऑल ग्रोथ होता रहे समय समय पे। फिर आता है प्रैक्टिस रेगुलरली, डेली प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी चीज़ हो। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स को भी आप डेली करोगे तो ही आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और आप मैथ्स में अच्छे रहोगे। साल दो महीना छोड़ दो, देखो आपकी मैथ्स आप मतलब टकमगा जाओगे उस लाइन से। और ये सिर्फ इस चीज़ में नहीं है, ये दुनिया की किसी भी चीज़ में अगर आपने बहुत टाइम तक छोड़ दी वो चीज़, तो थोड़ा बहुत भूल जाते हो चीज़ों को अच्छे तरीके से करना। तो प्रैक्टिस करते रहिए और चीज़ें इंप्रूव होती रहेंगी, बेहतर तरीके से करना आप सीख जाओगे। तो गाइज, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और स्टोरी टेलिंग की नॉलेज मिल गई होगी कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।